नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुमित अवस्थी और इस वक्त आप देख रहे हैं अपना फेवरेट डिबेट शो हम तो पूछेंगे। डेरा सच्चा सौदा का रहस्य लोग धीरे धीरे अब बेनकाब होने लगा है। कोर्ट की देखरेख में डेरे की तलाशी के लिए पुलिस, सेना, अर्धसैनिक बल, घुड़सवार दस्ता से लेकर महिला कमांडोज की टीमें चप्पे चप्पे की टोह ले रही हैं, जैसे किसी आतंकी के ठिकाने पर छापा मारा जा रहा हो। गुरमीत राम रहीम की गुफा, जिससे उसकी काली करतूत की गुफा कहा जाता है, वहां फॉरेंसिक टीमें पहुंच चुकी हैं। डेरे का वो श्मशान जहां लाशें दफन कर पेड़ लगाए जाते थे, वहां खोजी कुत्ते पहुंच चुके हैं। डेरे के स्विमिंग पूल, डेरे के महल, डेरे के रहस्य लोग और हर वो जगह जहां राम रहीम का रंगीन संसार बसता था, अब खोजी नजरों से घिरा हुआ है। 20 साल के लिए जेल की सीखों में भेज दिया गया राम रहीम का रहस्य लोग तो धीरे धीरे सामने आ रहा है, लेकिन आज हम आपको राम रहीम के ऐसे राजदारों से रूबरू कराने जा रहे हैं जो हनीप्रीत जैसे नहीं है, लेकिन हनीप्रीत से लेकर गुरमीत राम रहीम तक के तमाम राज से पर्दे इस लाइव डिबेट में उठाने वाले हैं। इनके खुलासे जांच एजेंसियों के लिए मददगार साबित हो सकते हैं। ये राजदार बलात्कारी गुरमीत की ऐसी कारगुजारियों डेरे के डरावने सच से रूबरू कराएंगे जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी हो। लेकिन उससे पहले कुछ अहम और बड़े सवाल हम तो पूछेंगे कि क्या सिरसा के डेरा मुख्यालय की देर से तलाशी के जरिए गुरमीत के गुर्गों को गुनाह के सबूत खत्म करने का मौका दिया गया। सवाल नंबर दो जो आज हम पूछेंगे कि क्या राम रहीम कांड से सबक लेकर ढोंगी बाबाओं पर अब नकेल कसी जाएगी। सवाल नंबर तीन जो आज हम पूछेंगे कि क्या धर्म के नाम पर धंधा करने वालों की वजह से ही धर्म खतरे में पड़ गया है। डेरे का डरावना सच खुलकर सामने आ रहा है। हम इन तमाम सवालों पर बड़े पैनल के साथ बड़ी चर्चा करेंगे, लेकिन पहले दिन भर के इस महत्वपूर्ण घटनाक्रम पर एक नजर। डेरा सच्चा सौदा में कानूनी प्रक्रिया चल रही है। बलात्कारी राम रहीम की 700 एकड़ से ज्यादा में फैली अय्याशगाह की तलाशी के लिए 5000 जवान, 41 पैरामिलिट्री कंपनियां, 4 आर्मी की टुकड़ियां, 4 जिलों की पुलिस, घुड़सवार दस्ते और डॉग स्क्वाड की टीम। से बोला ताला तोड़ना, तुमको दाढ़ी मिलेगी 700 रुपए। कितने रुपए? 700 रुपए दाढ़ी के रहे। कितने लोग आए हैं आप लोग? 14 लोग आए हैं। फिर तो राम रहीम के रंगीन लोक की वो सारी तस्वीरें नजरों के सामने तैरने लगी जिसमें सन्यासी की जगह बॉलीवुड की रंगीन मिजाजी ज्यादा दिखाई देती थी। वही लटके झटके, वही तड़क भड़क, वही शानो शौकत और वैसी ही भोग विलास की छटपटाहट। तभी तो अपने जन्मदिन पर भजन कीर्तन की जगह रूस की लड़कियों के नाच गाने और करतब देखने वाला योगी नहीं भोगी निकला। रॉक स्टार की तरह जिंदगी जीने वाले इस बलात्कारी के किले में जैसे ही डेरे में तलाशी अभियान ने जोर पकड़ा, डेरे की स्याह हकीकत सामने आने लगी। सत्संग की जगह पर स्विमिंग पूल का क्या काम, भक्ति की जगह पर एफिल टावर, ताजमहल, डिज्नीलैंड की क्या जरूरत, डेरे का टकसाल, डेरे के सिक्के आखिर क्यों, और हद तो तब हो गई जब डेरे में ही निकला श्मशान। हम तो पूछेंगे में बड़ी बहस, डेरे का डरावना सच। फार्मेसी की दवाइयां मिली हैं जिन पे कोई लेबल नहीं था, कोई ब्रांड नहीं था, और उसके साथ साथ एक लेक्सस गाड़ी बिना नंबर की गाड़ी, लेक्सस गाड़ी मिली है, और एक ओबी वैन मिली है, और कुछ करेंसी है 12000 रुपए की, जो नई करेंसी है 7000 रुपए की। डेरा सच्चा सौदा हमेशा कानून का पालन करता रहा है। आप सभी से अपील है कि आप इस प्रक्रिया में कानून का साथ दें, वे शांति बनाए रखें। कुछ हार्ड डिस्क मिले हैं, कुछ कंप्यूटर मिले हैं, उनको सील किया गया है और सील करके प्रशासन ने अपने कब्जे में ले लिया है, और इसके साथ साथ कुछ रूम्स को लॉक करके सील किया है।
लेकिन हर कोई जानना चाह रहा है रहस्यमयी गुफा के राज। क्या राम रहीम की गुफा का दूसरा सिरा गर्ल्स हॉस्टल में निकलता है? क्या गुफा में राम रहीम आश्रम की महिलाओं का बलात्कार करता था? आखिर कौन कौन जाते थे इस गुफा में? तलाशी अभियान में लगी टीम पहुंची तो यहां दफन सबूत को कुरेदने का काम शुरू हो गया। गुफा के अंदर क्या क्या चीजें मिली हैं? कोई बच्चे वगैरह मिलने की बात हो रही थी? 5 बच्चे मिले हैं, जिसमें दो बच्चे माइनर हैं, 3 बच्चे मेजर हैं। राम रहीम के डेरे में उनके अपने सिक्के चलते थे, डेरे की अपनी करेंसी थी और ये करेंसी देश के हर डेरे में चलती थी। इसकी जो दूसरी कंटीन्स वगैरह हैं, दो अदर सिटी के अंदर हैं, इसकी कंटीन्स हैं, जो भी इसके आउटलेट्स वगैरह हैं या जिनको एमएससी के शोरूम है, वहाँ पे भी इनको एक्सेप्ट किया जाता था और वहाँ से भी इनको अपन इससे प्रोसेसिंग कर सकते थे। साफ है, गुरमीत राम रहीम का अलग लोक था, रंग लोक, जिसमें सत्संग और प्रवचन बहुत पहले बेहद पीछे छूट चुका था। गुरमीत राम रहीम नाटक करता था, वो फिल्मों में एक्टिंग करता था, गाना गाता था, हनीप्रीत के साथ प्रेमी की तरह नजर आता था, डेरे के भीतर बिग बॉस जैसा कार्यक्रम करता था और जो कानून के कटघरे में साबित हो चुका है बलात्कार करता था। ऐसे गुरमीत राम रहीम की आलोचना को हिंदू धर्म पर हमले से जोड़ने वाले भी कम नहीं। हम तो पूछेंगे कि क्या राम रहीम जैसों को बचाने के लिए धर्म पर हमले की दलील दी जाती है? हम आगे बढ़े उसके पहले मैं एक बार फिर सवाल को दोहरा देता हूं, आपके सवाल का जवाबों का मुझे इंतजार रहेगा। क्या राम रहीम के राजदारों के डेरे के राज को, क्या राम रहीम जैसों को बचाने के लिए धर्म पर हमले की दलील दी जाती है? अगर आपको लगता है हां तो HTTP स्पेस देकर वाई, और नहीं लगता है तो HTTP स्पेस देकर N लिखिए। हमको आपके जवाब 5188 पर आप SMS कर सकते हैं। #HTTP और #डेरे में कंकाल के जरिए भी आप ट्वीट कर फेसबुक पेज पर जाकर अपनी राय हमको जरूर साझा करें। जो खास मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं इस बड़ी चर्चा में हिस्सा लेने के लिए, आज शुक्रवार शाम को उनका परिचय मैं आपसे करा दूं। सबसे पहले मेरे साथ यहां स्टूडियो में रणवीर शर्मा जी हैं, जो कि IPS अधिकारी रह चुके, हरियाणा के IG रह चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है शर्मा जी। और जो लोग बाहर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनका परिचय मैं बड़ी से कराऊं। सबसे पहले साधिका सोनिया दीदी जी है, जो कि शंकराचार्य हैं, शंकराचार्य समर्थक हैं। आपका स्वागत है साधिका सोनिया दीदी जी। हमारे साथ भूपेंद्र सिंह जी हैं, राम रहीम के बेटे जसमीत की पत्नी के आप कजिन हैं। मेरे साथ गुरदास सिंह सलवारा हैं, ये भी राम रहीम के सेवक रह चुके हैं। आपका भी स्वागत है, दो राजदार जो लाइव डिबेट में बताएंगे कि डेरे के अंदर क्या क्या होता था। हमारे साथ इस डिबेट में मुन्ना शर्मा जी, जो कि महासचिव है हिंदू महासभा के, उनका भी हम स्वागत करेंगे। और अजय गौतम साहब भी हमारे साथ इस डिबेट में, पंडित अजय गौतम भी शिरकत करेंगे। मैं तुरंत उनका परिचय कराऊंगा जैसे वो यहाँ बैठते हैं आके। शुरुआत करना चाहता हूँ डिबेट की। सबसे पहले सोनिया दीदी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, एक बाबा, पता नहीं बाबा कहना भी चाहिए कि नहीं उसको, अब तो बलात्कारी है, साबित हो चुका, कोर्ट ने कह दिया, क्या उसका बचाव होना चाहिए इस परिस्थिति में? कुछ आवाजें आज भी उसके बचाव में खड़ी होती हैं। देखिए सुमित जी, मेरे ख्याल से न्याय सबसे ऊपर है, और अगर हमारी कोर्ट ने अगर एक कोई फैसला सुना दिया है तो गलती कोई भी करे, आप करे, मैं करूं या संसार का कोई व्यक्ति करे, प्रकृति का ये नियम है कि उसे सजा मिलती ही है। तो बचाव करे ना करे का प्रश्न ही नहीं उठता। यदि किसी ने गलती की है तो उसे सजा मिलेगी, और यदि गलती नहीं की है तो उसे अपने आप कुदरत बचाएगी। बात यहीं पर पूरी हो जाती है। जब हमारी न्यायिक व्यवस्था इतनी अच्छी है, इतनी बढ़िया है, तो हमें उस पर भरोसा करना चाहिए। बिल्कुल, लेकिन बलात्कारियों का बचाव करते वक्त धर्म की आड़ ली जाती है कि हमारे धर्म को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। अगर आप राम रहीम पे सवाल खड़े करते हैं, अगर आप साबित, जिन बाबाओं पे, जिन धर्म गुरुओं पर जुर्म साबित हो गया है उन पर अगर आप सवाल करें, तो यह कहा जाता है कि आप हमारे धर्म को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। यह तर्क कहां तक संगत है? देख, जब साबित अगर हो गया, हमने वैसे भी आपको कहा कि हमारा संविधान और हमारा जो न्यायिक व्यवस्था है वो सबसे उच्च है, सबसे ऊपर है। भारत देश के अंदर हम अपने न्याय को मानते हैं, अपनी न्यायिक व्यवस्थाओं को सबसे उच्च मांगते हैं। तो जब यदि वहां से अगर कोई चीज सिद्ध हो चुकी है और सजा हो चुकी है, तो यहां पर बाकी किसी बात का प्रश्न ही नहीं उठता है। जी बिल्कुल। मुन्ना शर्मा, क्यों बचाव करते हैं? धर्म के नाम पर ऐसे लोगों का बचाव होना क्यों जरूरी है? देखिए,
बाबा राम रहीम की जो गलतियां थी, जो अपराध था उनका, उसमें कोर्ट ने फैसला दे दिया है और उस पर कोई डिस्कशन नहीं किया जा सकता कि कोर्ट का फैसला उचित था या अनुचित था। उसका फैसला तो उच्च न्यायालय ही कर सकता है, जो कि ये राम रहीम वहाँ उच्च न्यायालय जा सकते हैं और वहाँ पर वो बहस होगी और उस पर वो उच्च न्यायालय फैसला कर सकता है कि क्या ये निचली अदालत का फैसला सही था या गलत था जी। लेकिन अभी ये हम लोग नहीं कह सकते कि न्यायालय का फैसला गलत था, हम कहेंगे कि सही था। लेकिन एक बात जो बार बार सामने आ रही है कि वो एक ही संप्रदाय के बाबाओं और संतों को टारगेट क्यों किया जा रहा है, फिर आप बचाव करने जबकि देखिए भाई, फिर बचाव करने लगे। मैं बचाव नहीं कर रहा, अरे आप बचाव कर, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि केवल ये हिंदू संतों को ही क्यों टारगेट किया जा रहा है, जबकि ये हिंदू है, जबकि आप राम रहीम को हिंदू कह रहे हैं। नहीं नहीं, जबकि कश्मीर, अभी आपने कहा जी, कश्मीर में बैठे हुए आपने राम रहीम को हिंदू कहा। देखिए कश्मीर में बैठे हुए राम रहीम हिंदू है, मेरे साफ कर दीजिए। देखिए सोनिया दीदी कुछ बोल रही है कि दरगाह और मंदिर एक साथ है। साईं के विषय में भी कहा गया था कि दरगाह और मूर्ति एक साथ है, तो ये दो चीजों को मिलाकर आप जो खिचड़ी तैयार करते हैं, जैसे एक पात्र के अंदर दूध और दही अगर आप अलग अलग रखेंगे तो मान्य होगा, एक साथ मिला देंगे तो उसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा और वो नुकसान पहुंचाएगा। तो ये वही वाली चीज हो रही है, आप राम और रहीम और फिर अल्लाह और मालिक और फिर उसके बाद जीजस और जितने भी धर्म है उन सबको जब मिलाकर एक बताने की कोशिश करते हैं, हमारे जो सनातन धर्म की विराटता है जब उसका आप मिसयूज करने लगते हैं तब इस तरीके की चीजें सामने आती है। तो सबसे पहले तो ये कि सबको ये भ्रम हटा देना चाहिए कि अगर आप सनातन धर्म के हैं तो सनातन धर्म के देवी देवताओं की ही पूजन करें, यहाँ पे सिर्फ पंचदेव पूजन की प्रधानता दी गई है, बाकी किसी की आप पूजा पाठ करते क्यों है ये समझ में नहीं आता है। जब आप ऐसा करते हैं जब अपने धर्म से हटते हैं उसके बाद ही ऐसी कोई चीज समाज में सामने उत्पन्न होती है। आप अपने धर्म के ऊपर क्यों नहीं टिकते हैं, आप अपने सनातन धर्म पे टिके रहिए। मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि नहीं, मेरा सवाल दूसरा है। आप सिख धर्म पे मत जाइए मुन्ना शर्मा जी, जी। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, एक अपराधी को आप हिंदू बोल रहे हैं क्या, जो साबित अपराधी है, जो बलात्कारी है? देखिए चाहे हिंदू आपके लिए वो बलात् अपराधी है या हिंदू है? देखिए चाहे वो आपके लिए अपराधी है या हिंदू है सिख है, ये साफ कर दीजिए। अपराधी चाहे हिंदू हो या कोई भी हो, उसको सजा मिलेगी, मिलनी चाहिए। लेकिन कश्मीर, अगर कोई भी सजा मिल रही है तो आप उसको हिंदू, आप हिंदू मानेंगे? कश्मीर में कितने ये मस्जिद के संचालक हैं और मस्जिदों के ये जितने भी वहाँ धर्म गुरु बने बैठे हैं उनकी सर्च अभियान नहीं ली जा रही। मुन्ना जी मैं आऊंगा, शर्मा जी कुछ बोलना चाह रहे हैं। शर्मा जी, डेरा सच्चा सौदा का ये तलाशी लिया गया, वहाँ कश्मीर में मस्जिदों की तलाशी क्यों नहीं हो रही है? एक मिनट सुनिएगा आप बात। हाँ देखिए, कानून के सामने सभी लोग बराबर हैं, उस कानून की जो भी उल्लंघना करेगा उसको सजा मिलेगी। बिल्कुल, उसको सजा मिलेगी मुन्ना जी, उसको सजा मिलेगी। हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है, हो रही है। सवाल बात है कि कानून का हत्या कराई जा रही है, लिया वहाँ पर गुरमीत राम रहीम ने कानून को हाथ में लिया, गैर कानूनी काम करे और वो डेरे की प्रेमिसाइज में हुए हैं, इसी वजह से डेरे के ऊपर बार बार ये लांछन आ रहा है कि ये व्यक्ति विशेष की बात हो गई है। आपसे कि एक व्यक्ति इस प्रकार के काम कर रहा है तो मुन्ना जी आप उसे बचाइए मत। आप एक प्रश्न का जवाब दें, आप एक प्रश्न का जवाब दें कि पूछिए, कश्मीर में जिस मस्जिद के सामने सब इंस्पेक्टर की हत्या की गई, हाँ? तो उस मस्जिद की तलाशी क्यों नहीं ली गई? तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि कश्मीर में की वजह से हम डेरे इसकी डेरे की छानबीन ना करें? नहीं, मैं आप अब ये कहना चाह रहे हैं कि मस्जिद की तलाशी नहीं हुई होगी? जहाँ पे मुन्ना जी सुनिए एक बार, कैसी बात है, जहाँ भी अपराध होता है या होने की संभावना होती है वहाँ पे पुलिस को तलाशी। अजय गौतम, अजय गौतम, मुन्ना जी अजय गौतम कुछ बोलना चाह रहे हैं? अजय गौतम बात ये है अवस्थी जी, राम रहीम तो सिर्फ एक बहाना है, बेसिकली हरियाणा और पंजाब और बाकी देश के अंदर डेरा प्रैक्टिस को मिटाना है, राम रहीम सिर्फ बहाना है। कारण क्या है, अगर राम रहीम ने अपराध किया आज वो बिहाइंड द बार है, लेकिन परसेप्शन क्या बन गया, 5,500 से ज्यादा छोटे या बड़े डेरे हैं हरियाणा और पंजाब के अंदर, अच्छे कार्य स्वच्छ भारत अभियान से लेके
अन्य क्षेत्र चलाना, भूखों को भोजन देना, बच्चों को पढ़ाना, सारे अच्छे कार्य करते हैं, लेकिन परसेप्शन क्या बन गया कि डेरा एक ऐसा है जैसे पता नहीं वो आईएसआई का नहीं, डेरा 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 एक ऐसा परसेप्शन बना दिया गया है। आप इस बहाने से राम रहीम को बचा रहे, सच्चा सौदा को बचा रहे हैं, जहां पर लेक्सस की गाड़ियां मिल रही है, डेरे के अपराध को मत छुपाइए ना, अपराध डेरे ने किया या राम रहीम ने किया बताइए, राम रहीम अपराध डेरे ने किया या राम रहीम ने किया, राम रहीम वो प्रमुख थे, उन्हीं की इजाजत से सारे काम हुए। बात आप कर रहे हो, आप कहते हो अगर राम रहीम ने कोई अपराध किया, वो कन्विक्टेड हुआ, गिल्टी करार हुआ, कोर्ट ने उसको जेल भेज दिया, डेरे सुनो बड़े अपराध क्या हुआ, डेरे के अंदर अपराध का क्या दोष आ गया, आप डेरे पे कैसे उंगली उठा रहे हो, आप डेरे प्रैक्टिस पे कैसे उंगली उठा रहे हो, डेरे के ऊपर डेरे के अंदर अपराध होना गलत है। 30 सेकंड लगेंगे एक्सपोज करने में आपकी पुलिस को, 30 सेकंड, अरे डेरे का अपराध होना गलत है, सुन तो लीजिए, इससे भी गलत हो रहा होगा, आपने कह रहे हैं पुलिस से गलत नहीं हो रहा होगा, मीर 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 वाइज के सामने मस्जिद के बाहर जो है उसको मार दिया पंडित को, आपकी हिम्मत नहीं उस मस्जिद में घुसने का, क्या बैठ के आप बात कर रहे हो, अपराध की वकालत कर रहे हो, अजय वकालत अजय चीज की वकालत कर रहे हो, हम अपराध की हम अजय गौतम की हिम्मत लेने ये बड़े अपराध, अजय गौतम शर्मा जी आप एक गुदास सर, जाकिर नाइक धर्मगुरु नहीं था क्या, जाकिर नाइक 10 साल से इस देश में आतंकवाद, उसके छापे नहीं पड़े क्या, उसके छापे नहीं पड़े क्या, उसके दफ्तर को सीज नहीं किया क्या, आपकी नाक के नीचे से तो क्या भाई पकड़ेगी ना, कब पकड़ेगी, जब लेके आएगी सरकार, जाए अपनी सरकार से पूछिए ना, तो आप ये वर्क भी देखिए, नहीं नहीं अजय गौतम एक मिनट, अजय गौतम अपराधी की बात, शर्मा जी एक मिनट, शर्मा जी एक मिनट, तो अपराधी की बात हो रही है, एक मिनट आप दोनों लोग मुझे इस बात को समझाइए, मैं गुदास एक मिनट, अजय जी एक मिनट, शर्मा जी एक मिनट इस बहस को बहस की तरह करें और एक दूसरे को बोले किसी की आवाज नहीं जाएगी, गुरदास जी मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मैं जितना मैं भक्ति को समझता हूँ, त्याग को समझता हूँ, महात्मा बनने की प्रक्रिया को समझता हूँ, उसमें ये आश्रम के अंदर महल नहीं बने होते हैं, उसमें 7 वंडर्स नहीं बने होते हैं, उसके अंदर 5-स्टार होटल नहीं बना होता है, उसके अंदर रिजॉर्ट नहीं बना होता है, वहां भक्ति मतलब भक्ति होती है, ये तो जो जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं, ये तो ऐशगाह दिखाई दे रही है, ये तो अय्याशी का सेंटर दिखाई दे रहा है, ये तो रिजॉर्ट दिखाई दे रहा है 5-स्टार। मैं आपसे पूछता हूँ गुरदास जी, क्या वहां पर कभी भी भक्ति हुई है, आप क्योंकि रहे इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं, गुरदास जी नहीं, ऐसा नहीं है कि वहां पे भक्ति कभी नहीं हुई, भक्ति का दिखावा बहुत टाइम से होता आ रहा है, लेकिन भक्ति का सिर्फ दिखावा मात्र, भक्ति के नाम पे लोगों को बुलाकर रूबरू मस्तो मस्त रूहानी नाइट दिखाई जाती, जहां पे गुरमीत राम रहीम लव चार्जर जैसे गीत बोलता, ये भक्ति के नाम पर बुलाकर फिल्में दिखाई जाती, जहां पे आप शब्द थूक लगा के गुरमीत राम रहीम हर फिल्म के हर डायलॉग के अंदर बोलता, जब भक्ति ये है भक्ति नहीं का। तो आप क्या करते थे, एक मिनट, जब मैं डेरे के अंदर साधु था, करते क्या थे, मैं डेरे के अंदर साधु था और प्रिंटिंग प्रेस का काम करता था, मेरी एक बार रिक्वेस्ट है कि एक बार बात पूरी हो, जब वहां सज्जन अभी बता रहे हैं प्रिंटिंग प्रेस का काम आप किस लिए करते थे, 42 आदमी, बिल्कुल बोलिए आप प्रिंटिंग प्रेस का काम वहां क्यों करते थे, मैं आप दोनों को के डेरे की असलियत जब भक्ति वहां थी ही नहीं, नहीं नहीं, तो जब उनको समझ में आया तो छोड़ दिया ना उन्होंने, जब उनको समझ में आया निकल के बाहर आ गए ना, और जान जब बच्ची उनकी तब बोलने की हिम्मत कर रहे हैं, मुन्ना कुमार शर्मा समझिए इस बात को, गुरदास जी कितने समझिए इस बात को, मुन्ना शर्मा इस बात को समझना होगा, राम रहीम लोगों को मरवा दे रहा था, वहां कंकाल मिल रहे अंदर से, वहां पे पेड़ लगे हुए कंकाल के ऊपर, ये बाबा का काम है, ये साधुओं का काम है, आपसे ये बाबा है कि वैशी है, सॉरी मैं हेडलाइंस के लिए आगे बढ़ रहा हूँ, दोनों राजदार मेरे साथ हैं और ये दोनों राजदार बड़ी बातें करने वाले हैं, बड़े राज खोलने वाले हैं, क्या वहां पर ऐशगाह थी, क्या वहां याशिया होती थी, बाबा की गुफा की क्या सच्चाई है, गुफा का पिछला दरवाजा कहां खुलता था, ये तमाम बातें बताएंगे ये दोनों लोग जो मेरे साथ यहां मौजूद हैं, लेकिन पहले हेडलाइंस देख लेते हैं।
मस्जिदों से हत्या कराई जा रही है। वहाँ पर गुरमीत राम रहीम ने कानून को हाथ में लिया, गैर कानूनी काम करे और वो डेरे की प्रेमिसाइज में हुए हैं, इसी वजह से डेरे के ऊपर बार बार ये लांछन आ रहा है। ये विशेष की बात हो गई है कि एक व्यक्ति इस प्रकार के काम कर रहा है तो मुलाकात आप उसे बचाइए मत। आप एक प्रश्न का जवाब पहुँचा रहे हैं, आप एक प्रश्न का जवाब। इसके पहले इस डिबेट में आगे बढ़े मेरे साथ तमाम मेहमान मौजूद हैं। सबसे पहले मैं एसएमएस पोल के नतीजे दिखाता हूँ कि क्या राम रहीम जैसे को बचाने के लिए धर्म पर हमले की दलील दी जाती है। हाँ कहने वाले 77% लोग हैं और ट्विटर पोल पर भी हाँ कहने वालों की संख्या ज़्यादा है, 78% यहाँ भी हाँ में जवाब देते हैं। ज़्यादातर लोगों को लगता है कि जानबूझकर राम रहीम जैसे को बचाने के लिए धर्म के नाम की आड़ ली जा रही है, जो कि अजय गौतम और मुन्ना शर्मा जी ने किया सेगमेंट के पहले हिस्से में। मैं दोनों राजदारों के पास पहले जाना चाहता हूं। भूपेंद्र सिंह जी, क्या आप इस बारे में तस्दीक कर सकते हैं, क्योंकि आप उसको जानते हैं, उनके सुपुत्र को आपका रिश्तेदार भी लगता है, उनका बेटा जसमीत, मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं, आप खुद डेरे को देखा होगा, आपने जानते होंगे, क्या वहां पर लिटरली लोगों को मार के गाड़ दिया जाता था, जो कंकाल मिलने की खबरें आ रही हैं, क्योंकि उनका अखबार मान भी रहा है। बिल्कुल अवस्थी जी, वहां पर ऐसा ही होता था, क्योंकि जो डेरा मुखी था वो कहता था भी जो सरकारें हैं वो मेरी मुट्ठी में हैं, और लोगों को यही बताया जाता था भी जितने भी सभी पंजाब हरियाणा राजस्थान दिल्ली महाराष्ट्र ये सभी सरकारें मेरी मुट्ठी में कैद हैं और जो भी मैं चाहूँ वो वैसे ही करेंगी। और जितने भी वहाँ प्रेमी थे उनको ये था भी इसका कानून कुछ नहीं कर पाएगा, और इसलिए कोई अपनी जुबान नहीं खोलता था, पता सबको था। और जब से इसको सजा हुई है तब से लोग आगे आने लगे हैं। मैं 95 से जाता था वहाँ पर, मेरा बेटा भी उनके स्कूल में पढ़ा है, तो जो स्कूल में कहते थे भी हम तो फ्री बच्चों को पढ़ाते हैं, 2-2.5 लाख मैं आपने खुद फीस दी है। उसके बाद हमारा रिश्ता पड़ गया 2002 में, तो जो हमारी कजन सिस्टर थी वो भी वहाँ पर, उसको भी इन्होंने कैद करके रखा, उसको भी डराया धमकाया जाता था, बाहर नहीं निकलने देते थे। तो आगे आगे धीरे धीरे जब हम इनके काफ़ी नज़दीक हुए, गुफा में जाने लगे, तो गुफा में जब हम देखते थे जो बाहर था वो अंदर उसके बिल्कुल उल्ट था। अंदर गुफा में 7-स्टार होटल वर्गी गुफा थी, वहाँ 14-15 एकड़ में गुफा बनी हुई है, और वहाँ पर इनके जो बड़े बड़े रूम थे, बेडरूम, ड्राइंग रूम, ड्रेनिंग रूम, उसमें बाबा अलग अलग कलरों के इनके पेंट किए हुए थे, और कभी किसी रूम में बाबा सोता था, कभी किसी रूम में। वहाँ पर जो साधनी थी वो बाबे को खाना देती थी, कपड़े प्रेस करती थी, अंदर एक महीने में एक पार्टी होती थी जिसमें विदेशों से भी जो लड़कियाँ, गोरी लड़कियाँ, वो भी आती थी डांस करने के लिए, और जो अलग अलग स्टेटों से लड़कियां आती थी, जो कॉलेज का पीछे दरवाजा खुलता था उस कॉलेज से लड़कियां आती थी, और बाबा वहां पर मजे से आप भी ठुमके लगाता था और वहां पर देखता था, आनंद मानता था। तो वहां से ये लगता था भी एक बिल्कुल अलग दुनिया यहाँ पर। विरोध क्यों नहीं किया उनका, विरोध करना चाहिए था ना, गलत हो रहा था। मैं बताता हूँ, मैंने 2011 से मैंने विरोध करना शुरू किया। मेरे पे तीन बार अटैक हुआ 2011 में, मैंने शुरू किया विरोध करना और मीडिया में, अखबारों में 2011 इन्होंने मेरे पे तीन बार अटैक करा था, ऑन एफआईआर कटाई हुई है। मैं आज नहीं विरोध कर रहा, मैं 2011 से कर रहा हूँ बिल्कुल, और मुझे तो बड़ा बताया गया भी आप डेरे के अंगेंस्ट ना बोलो तो आपकी 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 रिश्तेदारी भी तोड़ देंगे, आपकी बहन को गर्भा देंगे, बड़ा कुछ होता रहा, और हमने एफआईआर भी लॉन्च कराई है, वहां पर हत्या हम आज कर रहे हैं, और हत्या को, हत्या के अपराध को जानना और उसको छिपाना वो भी अपराध है,
इसका मतलब अगर आपकी नॉलेज में ये चीज थी कि वहाँ हत्याएं हुई हैं, वहाँ डेड बॉडीज गाड़ी है और आपने उसको डिस्क्लोज नहीं किया, आपने उस रात को छुपाया, तो आप भी अंदर जाओगे। 2011 में जब मुझे पता चला तो मैं तब ही था, पहले कैसे बताऊं, जब मुझे पता ही नहीं। जब 2010 से 2011 से मुझे पता चलता है, आचार्य जी बात के बारे में जानते हुए छुपाना भी अपराध है। और दूसरी बात, आप एक बलात्कार जी पापा, अजय जी, अजय जी, अजय जी, अजय जी, अजय जी, अजय जी, जिसको कोर्ट ने, मैं जिसको ये जो अजय जी बोल रहे हैं, ये सांस को दबा रहे हो, कोशिश कोशिश कर रहे हैं। मैं वही बात बोल रहा हूं कि अपने धर्म की आड़ लेकर के एक भाई 2011 से पूरी बात बोल रहा है। भूपेन जी सुनिए, भूपेन जी सुनिए, शर्मा जी बोल रहे हैं। भूपेन जी मैं आपकी बात को सहमत हूं, भूपेन जी मैं आपकी बात से सहमत हूं। एक मिनट, एक मिनट, मैं अपना गांव छोड़ के बाहर रह रहा हूं। जहां भी जहां अपराध हो रहे हैं, मुन्ना भाई एक मिनट रुकिएगा कि मैं बोल रहा हूं कि धर्म की आड़ लेकर के अगर ये लोग वहां ये कह रहे हैं कि भी आप पहले क्यों नहीं बोले, आपने पहले क्यों नहीं बताया, वो लगातार 2011 से एफआईआर लोड करा रहा है और उसके खिलाफ लगातार बोल रहा है कि भी ये अपराध हो रहे हैं, ये अपराध हो रहे हैं। भूपेन सिंह ने कितनी बार पुलिस में जाके कंप्लेंट लिखाई थी कि आपको के आगे मर्डर हुआ है वहां पे, और लाशवा गड़िया ने जयपुर की पुलिस को देख लीजिए, रिपोर्ट का देख लीजिए, बताइए अपराधियों को हमने छुपाना नहीं है। भूपेंद्र सिंह ने साफ मुझे बताइए, आपने बचाव कर रहे हैं राम रहीम का, मैं राम रहीम का बचाव कर रहे हैं, आपको लगता है कि राम रहीम छूट के आके आपको डेरे में संपत्ति देगा क्या? इनको तो इस बात नहीं बात कर रहे हैं, इस बार राम रहीम का आप कर रहे हैं, आप कर रहे हैं, डेरे का बचाव कर रहे हैं, डेरे का बचाव कर रहा हूँ, राम रहीम का बचाव कर रहा हूँ। एक मिनट शर्मा जी, एक मिनट अजय जी, आप बड़ा डेरे का बचाव कर रहे हैं, आप डेरा प्रैक्टिस का बचाव कर रहे हैं, आप मुझे बताइए, आप मुझे बताइए पंजाब और हरियाणा में डेरे क्यों शुरू हुए, क्यों शुरू हुए बताइए। देखिए डेरे, जब डेरे शुरू हुए उस वक्त डेरे में किस तरह के लोग जाते हैं? नहीं डेरे में, देखिए डेरे में वो जाते हैं जो एक सूफिज्म से जुड़े हुए लोग होते हैं, ठीक है? नहीं नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ अस्ति जो सारे जो नहीं पंडित जी, पंडित जी, पंडित जी, पंडित जी, जो आगे अगड़ी जाति के लोग हैं, आप जो हम जो ब्राह्मण अपने आप को कहते हैं, ये जब दलितों का ध्यान नहीं रखेंगे, उनके पास माथा टेकने के लिए मंदिर नहीं होगा, उनको हम अपने मंदिरों में घुसने नहीं देंगे, तो वो कहाँ जाएंगे बेचारे, किसके जगह आश्रम लेंगे? ये दिक्कत हमारे समाज में है, मेरे हमारे हम लोगों ने इनको ऐसा मजबूर किया कि डेरे का रास्ता अपनाओ, ये क्यों नहीं बोलते हैं, ये क्यों नहीं बोलते हैं, ये क्यों नहीं बोलते हैं? गुरमीत राम रहीम खुद दलित नहीं है, वो सख्य है, उसके पास क्यों दलित जा रहा है? सर मैं ये कह रहा हूं, क्यों दलित जा रहा है? शंकराचार्य स्वरूपानंद जी ने सुन, बस आप देख लीजिए ना, हमें सुनो एक बात, अब हर चीज में आप इंटरप्ट कर रहे हो। मैं कह रहा हूं शंकराचार्य स्वरूपानंद जी ने कहा था इस बात को लेके कि मंदिर में जहां तक मैं जा सकता हूं वहां तक दलित भी जा सकते हैं। जाते हैं क्या मंदिर नहीं है हमारे पंजाब में, मस्जिद नहीं है पंजाब में, गुरुद्वारे नहीं है पंजाब हरियाणा में, अवस्थी जी बात बिल्कुल ठीक है, क्यों डेरे चल रहे हैं अवस्थी जी, क्यों डेरे चल रहे हैं अवस्थी जी, क्योंकि ये अनपढ़ गरीब लोग जिनका अशिक्षित है इनका फायदा उठा रहे हैं, हमने उनको मजबूर किया और इन लोगों ने फायदा उठाया। बतौर एसएसपी रहा हूँ, डेरे जिस वक्त स्टार्ट हुए हैं, हम गवाह हैं पुलिस अफसर वहाँ पे, हमारे जो मेन गुरुद्वारे होते थे वहाँ पे जो गरीब दलित लोग थे उन लोगों को उन जगह नहीं बैठने दिया जाता, बिल्कुल इसीलिए डेरे पर पे, और इसके बाद वहां के जो जो अच्छे संत थे, श्याम सतनाम जी, एक मिनट श्याम सतनाम, एक मिनट सुनिए आप, सुन तो आप आज बता रहा हूँ कल क्या होने वाला है, सतनाम जी सब डेरे में दिक्कत नहीं है, नहीं नहीं, लेकिन जहाँ डेरे के नाम पर धंधा चल रहा है, धंधा हो रहा है, नाम पर अपराध हो रहा है, वहाँ पे उन डेरे पे ऑब्जेक्ट होना चाहिए। जब डेरे के अंदर कोई भी डेरा प्रेमी जो होता है या कोई भी डेरे के अंदर संन्यास ले लेता है या उस परंपरा में आ जाता है, जब वो अपने शरीर को छोड़ देता है तो नियम ये है कि उसकी जो डेड बॉडी होती है उसको वहां गाड़ के और उस पे कोई स्मृति चिन्ह बना देते हैं। आप हरियाणा के बाउंड्री से शुरू करिए और पंजाब की बाउंड्री जहां खत्म होती है चले जाइए, नाथ आप संप्रदाय में भी यही मिलेगा, शैव संप्रदाय में भी यही मिलेगा, जो भी डेरे के अंदर मिलेगी तो आप दिखाओ, देखो मर्डर किया था उसकी लाश कौन साधु था, और डेरों के इसके अंदर कौन साधु था, मुझे बड़ा साधु तो रॉक स्टार बना हुआ था, सबसे बड़ा साधु तो रंगीन कपड़े पहन के डांस कर रहा था, सबसे बड़ा साधु फिल्मों में काम कर रहा था, सबसे बड़ा साधु अपनी गोद की बेटी के साथ एक्टिंग कर रहा था हीरोइन बनके, किसी
साधु किसी सन्यासी की समाधि को खोद के नहीं सोनिया जी ये कहोगे देखिए आप अजय गौतम आप अपराधी का बचाव कर रहे हैं वहां से नर कंकाल मिल रहे हैं आप डेरा प्रैक्टिस को सिर्फ बदनाम करने के लिए नहीं 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 ये आप ट्विस्ट कर रहे हैं सोनिया दीदी सोनिया दीदी बोलना चाह रही है सोनिया दीदी सुमित जी सोनिया दीदी सुमित जी मैं आप आपके चैनल के जरिए एक प्रश्न पूछना चाहती हूं कि इस तरीके की मानसिकता का जन्म कहां से होता है क्या कभी किसी ने इस बात पे सोचा है इस वक्त हर कोई ये बताता है किसी भी बाबा के बारे में किसी भी धर्म के बारे में जब भी ऐसी बात निकलती है चाहे वो कोई सा भी धर्म हो विशेष रूप से सनातन धर्म की बात हो जाती है यहाँ पर क्योंकि हिंदुस्तान है शायद इसलिए किंतु कोई भी धर्म हो चाहे ईसाई धर्म है क्या वहां पर ऐसी चीजें नहीं हो रही है मुस्लिम धर्म के भी बीच में ऐसी खबरें आई थी इस्लाम धर्म की वहां पर भी ऐसी चीजें हो रही है सनातन धर्म के ऊपर लगातार इस तरीके के अत्याचार होते जा रहे हैं मुझे आप सिर्फ एक बात बताइए क्या इस स्थिति के अंदर आपको उस मानसिकता के ऊपर सोचने की और काम करने की आवश्यकता नहीं है कि समाज में ये हीन भावना कहां से आ रही है लो सेल्फ एस्टीम कहां से आ रहा है और समाज के अंदर आ रहा है उसी का ये आईना है ऐसे लोग आप तो बताइए कहां से आ रही है ये नहीं दिख रहा है कि इस तरीके की मानसिकता कहां से आ रही है इतनी हीन भावना कहां से आ रही है क्यों क्योंकि हर कोई पैसे की चकाचौंध की दौड़ में जा रहा है असल में भगवान के नाम से किसको लेना देना रह गया ये बताइए बिल्कुल आप भक्ति करनी है भाव करना है तो आप भगवान का नाम लीजिए आप लोग जब चकाचौंध के पीछे जाते हैं आपके भीतर की जो असुरक्षा की भावना है वो ऐसी चीजों को पनपने का मौका देती है ऐसे लोगों को उठने का मौका देती है ऐसे लोगों को आपकी भलाई का फायदा उठाकर अपनी शारीरिक भूख मिटाने का मौका देती है जो राम रहीम ने किया बलात्कारी ने नहीं नहीं अजय गौतम बात डेरों की नहीं है बात गलत की है जो गलत कहेगा वो जेल जाएगा चाहे वो राजपाल हो चाहे वो ये हो चाहे वो जाकिर नायक हो चाहे वो नित्यानंद स्वामी हो चाहे वो आसाराम हो चाहे वो ये हो जो कोर्ट नहीं 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 मैं उसके लिए आप कह रहे हो नहीं बोल के गौतम भाई जो आप बोल के आप डेरों की मैं आप सबको रोकूंगा शर्मा जी मैं आता हूँ अभी भी मेरे साथ गुरदास सिंह बाकी हैं उनकी आप बीती सुनाऊंगा इस ब्रेक के उस पार कहीं जाएगा मत एक और बड़ा खुलासा ब्रेक के उस पार बने रहिए हम तो पूछेंगे के साथ अजय गौतम बात डेरों की नहीं है बात गलत की है जो गलत कहेगा वो जेल जाएगा चाहे वो राजपाल हो चाहे वो ये हो चाहे वो जाकिर नायक हो चाहे वो नित्यानंद स्वामी हो चाहे वो आसाराम हो चाहे वो ये हो जो कोर्ट नहीं 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 मैं उसके लिए आप कह रहे हो नहीं गौतम भाई मैं आप बोल के आप डेरों की मैं आप सबको रोकूंगा कार्यक्रम का आखिरी सेगमेंट में अब तक के नतीजे आपको दिखा देता हूं कि क्या राम रहीम जैसों को बचाने के लिए धर्म पर हमले की दलील दी जाती है हां कहने वाले एसएमएस पोल पर 79% 79% लोग और ट्विटर पोल पर हां कहने वालों की संख्या 78% है ज्यादातर लोग हां कह रहे हैं कि ऐसे लोगों को बचाने के लिए धर्म के नाम का आड़ लिया जाता है मैं आऊंगा शर्मा जी आपके पास लेकिन मुझे गुरदास सिंह जी के पास जाना है गुरदास जी हम जो खबरें सुन रहे हैं कि वहां पर आरोप जो लग रहे हैं कि वहां कंकाल निकल रहे हैं वहां पे हत्या होती थी हत्या करके लोगों को गाड़ दिया गया हालांकि अजय गौतम का कहना है कि वो शैव परंपरा में और वहां पे लोगों को दफनाया जाता था तमाम साधु संतों को भगवान जाने कहां से लेके आए थ्योरी को मैं ये पूछना चाहता हूं आप कि वहां पर लड़कियां आ रही हैं वहां पे नंगे नाच हो रहे हैं वहां पे मर्दों को नपुंसक बनाया जा रहा है इस तरह के लोग भी सामने आए हैं खुलकर बोला है तो ये डेरा सच्चा सौदा में सिर्फ सौदेबाजी होती थी या सिर्फ मतलब वहां पर क्या भक्ति परंपरा ये सब सिर्फ ढकोसला था बिल्कुल 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 सही कि ये सिर्फ और सिर्फ एक ढकोसला था भक्ति वगैरह नहीं थी वहां पे लोगों को दिखाया जाता है कि मानवता भलाई के कार्य होते हैं लेकिन मानवता भलाई की जगह पे लोगों के जितने साधु थे उनके अंडकोश निकालकर उनको सदा के लिए अपाहिज कर दिया जाता है ये सच्चाई है इसके अलावा सच्चाई है कि अगर कोई गुरमीत राम रहीम के खिलाफ अगर कोई डेरे के खिलाफ आवाज उठाता है तो उसको मार दिया जाता है जैसे रामचंद्र छत्रपति के घर जाकर गोली मारी गई
उस साधु के द्वारा जो डेरे में साधु था और वो मौके पे पकड़ा गया। इसके अलावा ना जाने इतने कितने कार्य हैं, रंजीत सिंह को मारा, इतने बहुत सारे आदमियों को वहां पे मार दिया जाता है, कई आदमी अब तक मिले नहीं है। आप भी ये सब काम करते थे, आप कैसे कर रहे हैं मुन्ना भाई, ये कैसे कर रहे हैं, कैसी बात कर रहे हैं मुन्ना शर्मा, दबा रहे हैं, सबूत दीजिए, आप सुन ही नहीं रहे, सबूत दीजिए, आप मुन्ना शर्मा आरोप लगा रहे हैं। ये कहते हैं कि ये सब काम होता था, तो इसका मतलब ये भी इसी सब काम में रहते जैसे थे। लोग ऐसा ही करते होंगे जब हत्या होती थी, जैसे लोग जब गलत काम होते थे, जो ऐसी बात कर रहे करते थे, ऐसी बात कर रहे हैं, इसका मतलब आप भी यही सब काम करते थे। आप मेरे को ये बताइए, मुन्ना शर्मा, मुन्ना शर्मा डेरे के अंदर आज भी 1,000-2,000-3,000 लोग होंगे, वो सब क्या, सब बलात्कारी हो गए, सब हत्या हो गई। मुझे इस बात का जवाब दीजिए जो शुरू में अजय गौतम बोल रहे थे कि बाबा ने अपराध किया कि डेरे ने अपराध किया, डेरे के जो फॉलोअर है वो सब बलात्कारी बन जाएंगे इस देश के अंदर। तो ये जो दो लोग बैठे गुरदास सिंह और गुरमी, ये भूपेंद्र सिंह के, ये हत्या आरोपी हो जाएंगे। गुरदास सिंह कह रहे हैं कि डेरे के साधु जाके हत्या करते थे, इसका मतलब ये भी हत्या में शामिल होते थे, ये भी वही काम करते जनाब थे। आज आप बचाव कर रहे हैं तो आप भी हत्या में शामिल थे, आप आज बचाव कर रहे हैं, राम रहीम बैठ के आप भी हत्या में शामिल है, देश की अदालत देंगे मुन्ना शर्मा को, राम रहीम का भी बचाव कर रहे हैं, इन पर बिल्कुल भी बचाव नहीं कर रहा, लेकिन मैं बिल्कुल भी बचाव नहीं कर रहा, मैं बचाव नहीं कर रहा, मैं बचाव नहीं कर रहा, आपके ऊपर कानून कार्रवाई होगी, नहीं मैं बचाव नहीं कर रहा। अच्छा शर्मा जी, आप सीनियर आईपीएस रहे हो, एक मिनट मुन्ना जी बताइए कौन से सेक्शन में कार्रवाई है, एक सुनिए आप, सेक्शन बताइए, सिर्फ सेक्शन बताइए, मैं आपको पिनल कोड का बता दीजिए, सीआरपीसी दोनों की बात बता रहे हैं, बताइए 120 भी बड़ी क्लियर है, क्या है 120 अगर अपराधों को, अगर आप कर रहे हो, सुनिए, आप दोनों रुकिए, एक और महत्वपूर्ण चीज, एक और महत्वपूर्ण चीज दर्शकों के लिए, अरे भाई अगर आप शर्मा जी जिसमें ट्रायल हो, अजय जी शर्मा जी, एक और महत्वपूर्ण चीज दर्शकों के लिए एक इम्पोर्टेंट साउंड बाइट आई है, वो मैं आपको सुनवाना चाहता हूँ। सिरसा जेल से छूटकर एक कैदी बेल पर बाहर आया है और वो क्या बता रहा है, राम रहीम जेल में क्या कर रहा है, सुनते हैं गुरमीत सिंह की ये कहानी, जो जेल से छूटा कैदी है वो क्या बता रहा है। मुलाकात कोई नहीं हुई उससे, काफी उस खराब स्थिति, उसने ये भी गुहार लगाई है कि अनिप्रीत हो मेरे से अगर अंदर दे दी जाए, अनिप्रीत है जो उसकी जो भी है पुत्री है या उसकी कुछ भी है, तो वो उसने ये कही है कि अंदर दे दी जाए, वो मेरे साथ रहे या अंदर बताओ। इतनी बड़ी सजा मिल गई अवस्थी साहब और अभी भी वो आपराधिक जो छवि है, मानसिकता है, वो नहीं गई है। मैं अपने दोनों धर्माचार्यों जी से बात कर रहा हूँ कि भाई आप हम अपराध खत्म करने हैं, अपराध खत्म करने आपके साथ चलेंगे, मैं आपको साथ सोनिया दीदी बोलना चाह रही है। सोनिया दीदी, सुमित जी, मैं आपके चैनल के जरिए और इस डिबेट के जरिए पूरे देश को और पूरे विश्व को और सभी महिलाओं को और सभी पुरुषों को, इनफैक्ट समाज को एक संदेश देना चाहती हूँ कि कृपया अपने आत्मविश्वास को जगाएं, अपने भीतर की असुरक्षा को दूर करें, अपने अच्छे कर्मों पे, अपने भगवान पे और अपने आप पे भरोसा रख के अपने धर्म के अनुसार चलें। मेहरबानी करके आपके अंदर की असुरक्षा की भावना को दूर करें, क्योंकि जब आपके भीतर लो सेल्फ एस्टीम होता है, बिल्कुल ठीक बात सोनिया दीदी, इनफैक्ट एक ट्वीट मेरे पर आया किशोर कुमार शर्मा का, वो लिख रहे हैं कि अपने माँ बाप की चरणों की धूल कर लो, माँ बाप की चरणों की सेवा कर लो, वहीं आपको स्वर्ग मिल जाएगा, क्यों डेरों के चक्कर में पड़ रहे हैं अनपढ़ समाज के लोग। भूपेंद्र सिंह, ये हनीप्रीत का क्या चक्कर है, मुझे बताया गया कि 2007 के पहले गुरमीत राम रहीम नाम का ये शख्स सफेद कपड़े पहनता था और प्रवचन की बातें करता था, और जब से हनीप्रीत इसकी जिंदगी में आई तब से ये रंगीन हो गया, ये रॉक स्टार बन गया, इसको फिल्मों का शौक लग गया, ये क्या सच बात है भूपेंद्र सिंह?
बिल्कुल 2009 में इसने हनीप्रीत के साथ ओपन कह दिया था एक फंक्शन करके भी, आज से हनीप्रीत मेरे साथ रहेगी और सारा डेरे का काम और मेरा बार जो बिजनेस का काम है और जो जितनी भी फैक्ट्री है, जितने स्कूल है और जितने वहां पर माल है, वो सभी को हनीप्रीत देखेगी। और 2009 में इसने बोल दिया भी आज से मेरी मुंह बोली बेटी है और बड़ा फंक्शन, क्योंकि जो डेरे में बात आती थी भी, चर्चा होती थी भी, रिश्ता क्या है ये डेरे मुखी का, रिश्ता क्या है बाबा जी का, रिश्ता क्या है हनीप्रीत के साथ बाबा, उसके लिए फिर इन्होंने 2009 में जे ए झूठ बोल के जे डोंग रचाया भी आज से मेरी बेटी है। और उसके बाद हनीप्रीत ने बोला कि भी मैं फिल्में करनी है और जे आप बाबा जी फिल्में शुरू कराओ, मैंने एज ए हीरो आना है। और फिर डेरा मुखी ने इसके कहने पे, भूपेंद्र सिंह आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, तस्वीरें आई आज जब पुलिस ने रेड डाली है कि वहां पे एक फैशन मॉल है, उस फैशन मॉल को हनीप्रीत चलाती थी, वहां पे साजो सामान और बड़े बड़े महंगे महंगे कपड़े मिलते हैं। राजनीतिक लोग इसको आगे बढ़ा रहे हैं, दूसरी प्रशासनिक राजनीतिक लोग प्रशासन को भी काम नहीं करने दे रहे। तीसरी बात, जो प्रशासन के अधिकारी और कर्मचारी हैं, हमारा प्रोसीजर बहुत क्लियर है कि वो हर महीने और हर साल में एसएचओ से लेके एसपी तक उनको सबको विलेज टूर करना है और उसमें सब जब भी धार्मिक स्थान और इतने दिन हो गए, इतने दिन हो गए, सबकी आपने इंपॉर्टेंट बात की है, मैं गुरदास सिंह के पास जाना चाहूंगा। मुन्ना शर्मा एक मिनट, गुरदास सिंह जी 25 तारीख को हनीप्रीत साथ में उड़ती है और हेलीकॉप्टर में बैठकर रोहतक जेल तक जाती है पंचकुला से। आज हनीप्रीत लापता है, 15 दिन होने आ रहे हैं। मैं आपसे पूछता हूं गुरदास जी, जो बात यहां रणवीर शर्मा जी बोल रहे हैं कि सब मिले हुए हैं, क्या यही हरियाणा पुलिस इस हनीप्रीत को ढूंढने के नाम पर अब नेपाल में मस्ती कर रही होगी क्या? यहां घूम रहे वहां घूम रहे, हनीप्रीत का पता नहीं है, क्यों नहीं हनीप्रीत पकड़ी जा रही? ये क्वेश्चन मार्क उन्हीं पे लगता है, क्योंकि 14 दिन बीतने के बाद में भी बिल्कुल सिक्योरिटी के अंदर वाली हनीप्रीत गायब हुई है, जो जिसको सिक्योरिटी मिली हुई थी, जो गुरमीत राम रहीम के साथ जेट प्लस में रहती थी, जेल के बाद में भी वो सिक्योरिटी के अंदर ही रोहतक गई थी, रोहतक से वो गायब हुई है सिक्योरिटी के अंदर से, उसके बाद में ना मिलना अपने आप में एक क्वेश्चन मार्क लगाता है इन सभी प्रशासन के अधिकारियों पर और साथ में जो राजनीतिक पर, के क्योंकि 42 आदमियों की जान गई है, किसी ने आंख से आंसू नहीं बाया उन आदमियों के लिए, अपने आप को बचाने और गुरमीत राम रहीम को बचाने पे सारे लगे हुए हैं, लेकिन 42 आदमी की जान गई है, किसी ने लापता है मानेंगे? हनीप्रीत को पुलिस नहीं ढूंढ पा रही है, सच्चाई है, या तो ज्यादा ढूंढ के रखा हुआ, जानबूझ के नहीं पकड़ रही है। आईजी के ऊपर वहाँ हाथ उठाया है, सारे के सारे सिक्योरिटी वालों ने आईजी का हाथ उठाया, इसलिए वो अपनी अजय जी जोर से हनीप्रीत ठीक है, थप्पड़ मारने वाले ठीक है, थप्पड़ खाने वाला गलत है, अंदर करना चाहिए था, जोर से बोल बोल के आप कर रहे हैं, बिल्कुल क्यों नहीं करा इन्होंने अंदर, वही तो मैं पूछ रहा हूँ क्यों नहीं किया, इनसे पूछिए आप बताइए ना, अब आप क्यों नहीं पकड़ में आ रही है, आप क्यों नहीं पकड़ में आ रही है, क्यों नहीं पकड़ में आ रही है, आप जैसे राजनीतिक लोगों ने कार्रवाई नहीं होने देते हमें, आप सारे के सारे, अगर आप सरकार चाहे तो पुलिस को खुला हाथ दे दे तो कल पकड़ी जाए, सर पुलिस की बात बता रहा हूँ, एसएसपी थे वहाँ तो आपने क्या कार्रवाई, शर्मा जी एक कागज पढ़ दूं मैं, एक सरकारी कागज, सरकारी नहीं मुन्ना शर्मा, टाइम में अपराध नहीं हुए, सरकारी कागज पढ़ दो, हमने तो मुन्ना शर्मा की 10 सेकंड से ज्यादा नहीं, मुन्ना शर्मा 10 सेकंड, मुन्ना वर्दी नहीं, मुन्ना शर्मा तो आप क्या करते थे, बोलिए 10 सेकंड, अगर छोड़ा नहीं अपने, मुन्ना शर्मा मुझे एक बात बताइए, जिसकी डेरे पे जाके मुख्यमंत्री से लेकर मंत्री तक मत्था टेकते हो, वो कैसे हनीप्रीत को पकड़ता, कैसे पकड़ लेता, एक बार भी कोशिश की गई, जो डीजीपी बचाने की कोशिश कर रहा हो वो क्या पकड़ेगा वहाँ पे, इनको जिसके ऊपर दबाव है,
इनको अरे मुन्ना भाई आप मोरल लेक्चर दे रहे हैं एसएसपी की फॉर्म क्या होती है उसका अजय मोरल लेक्चर दे रहे हैं आप एसएसपी को बोलने जा रहे हैं आप रिजाइन कर देते अरे हम रिजाइन नहीं हमने तो एक गुंडा छोड़ा नहीं अपने इलाके के अंदर मैं आप इस बात को सुनिए अजय गौतम मुझे इस बात का जवाब चाहिए आप दूसरों का सवाल खड़े कर रहे हैं आप मुझे बताइए कि आपकी पुलिस क्या कर रही थी मुझे 10 सेकंड क्यों जाने दिया हनी पीस 10 सेकंड क्यों जाने दिया क्यों नहीं काम करने दिया नहीं मेरे पास अजय जी 10 सेकंड ले रहा हूं सर नहीं 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 जो इस देश में हो रहा हमने देख लिया पंचकुला में देखा 25 तारीख को हमने हजारों लोग को इकट्ठे होने दिया 40 को गोली से उड़ा दिया नहीं 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 अगर इस पुलिस को खुला हाथ नहीं देंगे आपके पास अधिकारी बैठे हुए ना नहीं मैं माफी चाहता हूँ पुलिस का बता दूं नहीं मैं माफी चाहता हूँ मैं माफी चाहता हूँ मैं पुलिस कर्मी के खिलाफ कंप्लेंट मैं आप सबको थैंक यू करूँगा आप सबका थैंक यू करूँगा लेकिन लेकिन इस बात को कहते हुए जाऊँगा तमाम महिलाओं से खासकर तमाम महिलाओं से अपनी विवेक का इस्तेमाल करिए अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करिए इन बाबाओं के चक्कर से पड़ने से अच्छा है कि अपने माँ बाप की सेवा करिए अपने घर में रहकर पूजा करिए क्योंकि ये बाबा कब कहाँ कैसे आपका मिसयूज कर ले आपको भी नहीं पता होगा तो प्लीज अपनी बुद्धि से इस काम को आगे बढ़ाएं शुक्रिया थैंक यू सो मच हमारे साथ डिबेट में जुड़ने के लिए